हे गाइस वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम अपने छठ पूजा का सारा ब्लॉग करने वाले हैं। मैक्सिमम लोग छठ पूजा करते हैं पर बहुत लोग को नहीं पता है कि हम लोग छठ पूजा कितने टाइम पहले से और किस रीजन से करते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, तो यह वीडियो में बने रहिएगा। एंड चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज है छठ पूजा, यानी का आसाम वाला अर्घ है आज पहला अर्घ। तो गाइस मार्केट जा रहे हैं क्योंकि जो फ्रूट व्रूट चढ़ाते हैं छठ में, तो उसके लिए अभी मार्केटिंग करना है, फ्रूट लेना है। तो चलो यार चलते हैं सबसे पहले मार्केट। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सूप देने के लिए, तो चलिए आप लोग भी आइए साथ में, क्योंकि शाम में चलना है नदी तरफ क्योंकि आज छठ पूजा है, जाना तो पड़ेगा ही। सो गाइस फाइनली हम तो रेडी हो चुके हैं, बस अभी दिलों का ही टाइम है क्योंकि दिलों का तो सबसे ज्यादा ही टाइम लगता है रेडी होने में। रही पूजा दी और वो रही निशा दी, दोनों मिलकर रेडी हुए जा रही। हम दिलों के बाद नहाने गए थे फिर भी हम जल्दी रेडी हो गए। आज दिलों में से पहले नहा के निकल चुकी थी, अभी तक दिलों बस मेकअप ही किए जा रही है। क्या दी क्या था, जल्दी करिए लेट हो रहा है, मेरे से किया इतना जल्दी हम करके बैठ गए। सो गाइस अभी लेके जा रहे हैं दौरा अपने घाट पे, यानी कि नदी के पास, जहाँ पे स्टार्ट होगा अपना पहला अर्घ शाम वाला। एंड चलिए आपको बताते हैं कि हम लोग छठ क्यों मनाते हैं और कितने टाइम से मना रहे हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माँ सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र है, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उसकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्यपाट फिर से मिला था। सो गाइस होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग छठ पूजा कितने टाइम पहले से मना रहे हैं। और शाम का अर्घ दे करके हम लोग पहुंच जाते सूर्य मंदिर, क्योंकि वहाँ सूर्य देव का दर्शन भी करना था। चल झूठा। नहीं नहीं गाइस ये सच नहीं है, हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ प्रसादी खाने के लिए। तो गाइस अभी आए प्रसादी लेने के लिए। गाइस मार्केट निकले और गोलगप्पा ना खाए ऐसा हो सकता क्या? अभी आए गोलगप्पा खाने के लिए, साथ में है यस और यस भाई। Yeah.
अंदर तो रहना।